परतवाड़ा के थानेदार संदीप चौहान का तत्काल स्थानांतरण कर फाग महोत्सव कार्यालय में खलल डालने वाले कांस्टेबल मनोज राउत को तत्काल निलंबित करने की मांग को लेकर आगामी 16 मार्च को जयस्तंभ चौक पर जन आंदोलन करने की घोषणा पत्रकार परिषद में शक्ति फाउंडेशन की ओर से अधि प्रमोद सिंह गडरेल व अधि श्याम सिंह गडरेल ने की है। लालपुर स्थित पार्टी कार्यालय में बुलाई गई पत्रकार परिषद में शक्ति फाउंडेशन के मार्गदर्शक तथा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अधि ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल ने पत्रकारों को जानकारी देते बताया। सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का शक्ति फाउंडेशन की ओर से स्वागत करता हूं। विगत रोज टेंशनपुरा परतवाड़ा यहाँ संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास आग महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम है, एक धार्मिक प्रोग्राम है। होली महोत्सव फागुन का महोत्सव, फागुन महोत्सव कहा जाता है उसे। उस प्रोग्राम में रात 10 बजे पुलिस हवलदार विनोद राव, इन्होंने त्वरित वो प्रोग्राम बंद करने के लिए हमें कहा गया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि यह धार्मिक प्रोग्राम है, 5 मिनट आरती के लिए हमें दिए जाए। जिन 5 मिनटों में हम ये कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं, परंतु उन्होंने हमारी एक भी ना सुनते हुए हमारा कार्यक्रम बंद करवा दिया। उनके इस कृत्य के वजह से हम सभी समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। कल के कार्यक्रम में यह जो कुछ भी वाकया हुआ उसका स्टार्ट टू एंड वीडियो फुटेज हमारे पास है, जबकि पुलिस हवलदार राउत इन्होंने अपने वरिष्ठों को गलत फीडिंग किया। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारी बात सुन नहीं रहे, अगर हमारे पास वीडियो एविडेंस नहीं होता तो उसका झूठ वरिष्ठों को सच लगने लगता। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? परतवाड़ा पुलिस स्टेशन, अगर हम कभी कोई अर्ज एप्लीकेशन देने जाते हैं तो थाने अमलदार उस एप्लीकेशन की रिसीव हमें देता नहीं। थाने अमलदार का कहना होता है कि पहले साहब आएंगे, इस अर्ज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको रिसीव देंगे। ऐसा कहीं कानून नहीं है। अगर अर्ज आया है सरकारी किसी कार्यालय में तो त्वरित उसको एक्सेप्ट करके उसकी रिसीव एप्लीकेंट को देनी होती है, उसके बाद आपको उस पर जो उचित कार्रवाई करनी है आप एप्लीकेंट को लिखित स्वरूप में वो कार्रवाई करके बता सकते हैं। परंतु वीडियो एविडेंस है, मैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को वो एविडेंस दिखाऊंगा। महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को भी कल निवेदन के साथ पेनड्राइव भेजा जाएगा। नागरिक और पुलिस में समन्वय होना बहुत आवश्यक है। यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग नाम की कोई चीज कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही। शहर का नागरिक कानून का आदर करना चाहिए, तो आज के समय में शहर का नागरिक दहशत में जी रहा है। ऐसे असंख्य लोग उनके स्टेटमेंट के साथ मेरे पास में है, जो स्टेटमेंट्स और आवेदन मैं इनके वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने वाला हूँ। कल रात के कार्यक्रम में हम रिक्वेस्ट कर रहे थे पुलिस हवलदार विनोद राउत जी से, कार्यक्रम का उल्लेख कर रहे हैं, फागुन महोत्सव का कार्यक्रम का, लेकिन उन्होंने हमें 5 मिनट भी अवधि दिया नहीं। वहाँ पे सैकड़ों के भीड़ में नागरिक उपस्थित थे। ऐसे
ऐसे समय पे कुछ अनहोनी ना हो जाए इसका हमें डर, तो हमने तुरंत वो कार्यक्रम बंद करके उन्हें सहयोग किया। लेकिन आने वाले समय में परतवाड़ा शहर में रामनवमी जैसा, रामनवमी की शोभा यात्रा के जैसा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है शक्ति फाउंडेशन की तरफ से। और अगर ऐसे पुलिस अधिकारी शहर में रहेंगे तो उनसे वो संभालना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। जैसे रामनवमी उत्सव हो गया और भी उत्सव होते हैं हमारे, पाड़वा हो गया, इस इन उत्सवों के दरम्यान शहर में हमें नगर परिषद की हम परमिशन लेके झंडे लगाएंगे। तो उन्होंने कहा पहली बात तो नगर परिषद आपको ऐसी परमिशन देगी नहीं, वो पहले मुझसे पूछेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नगर परिषद प्रशासन ये परतवाड़ा पुलिस स्टेशन के अधीन रह के काम कर रहा है? बैनर, फ्लैग्स, झंडे ये सब लगाने की परमिशन देने के अधिकार नगर परिषद प्रशासन को है। हाँ, विगत वर्ष एक झंडा लगाने के वजह से कुछ विवाद हुआ था, लेकिन वो आपका फेल्यूर है, जनता ने उस पे, जनता रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी सेना की सरकार है जो हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली, हम भारत में रह रहे पाकिस्तान में नहीं, जो हमें भगवा झंडे लगाने से मनाई की जाए। परतवाड़ा पुलिस स्टेशन के थानेदार एपीआई संदीप चौहान जी ने विगत कुछ दिनों में अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू कर दी, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शुरू में उन्होंने खुद ही अतिक्रमण हटाने चालू कर दिए। आज जिन लोगों की फुटपाथ पे की दुकानें हटाई गई उन लोगों को पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। उनका पुनर्वसन आपने किया नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वयं रोजगार के तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। आप तो जिनके पास रोजगार उनके रोजगार ही आपने छीन लिए। बाद में आपने नगर परिषद प्रशासन को पत्र व्यवहार करके उनको साथ में लेके अतिक्रमण हटाया, चलो ठीक है आपने शहर के सुधारना है, लेकिन लोगों का पुनर्वसन कहीं से कहीं तक किया नहीं गया। कई लोगों की कंप्लेंट है कि पुलिस स्टेशन में बुला के हमें मारा गया। अभी एक तो माइनर बच्चा है जिसको मैं आप कैमरा के सामने नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के पास मैं उसे लेके जाने वाला हूँ। उस 15-16 साल के बच्चे को 15 पट्टे मारे गए। मतलब ये तो तुगलक ही कानून चला रहे हो आप शहर में। ये जो आपका आंदोलन है जो आने वाले 16 तारीख को आप शुरू करने जा रहे हैं, उसके अंदर किन किन लोगों को साथ में लेकर आप इस आंदोलन को कर रहे हैं? शहर के जिन जिन लोगों का व्यवसाय इनकी कार्रवाई की वजह से छिना है, जो जो लोग पीड़ित है, जिन जिन लोगों को बिना मतलब मारठोक की गई है, उन सभी को साथ में लिया जाएगा और समस्त हिंदू समाज को आह्वान किया जाएगा कि भारी से भारी संख्या में इस आंदोलन में सहभागी हो। शहर मेरा अकेले का नहीं है, आप सभी को यही रहना है। कभी ना कभी आपका और उनका सामना आते जाते कहीं ना कहीं होगा, आपको भी कभी ना कभी ये फेस करना पड़ेगा। इसलिए अगर आज हम आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ के साथ आपने आवाज़ नहीं मिलाई, तो कल आपके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई खड़ा नहीं रहेगा। आपका बार बार कहना रहा ये से चलने वाला व्यक्ति हूँ और समाज के, हिंदू समाज के लिए ही मैं कार्यरत करता हूँ, पहले भी, आज भी और कल भी करता रहूँगा। इसीलिए मैं मेरे हिंदू भाइयों से आह्वान करता हूँ कि वो मेरे साथ में आके खड़े रहे, और मुझे विश्वास है वो हमेशा मेरे साथ में आके खड़े रहेंगे। शहर में थानेदार ने आतंक फैला कर रखा है, नगर पालिका के कामकाज भी उनके अधीन होने का चित्र है।
शहर में दो वक्त रोजी रोटी कमाने वाले सामान्य नागरिकों पर भूखमरी की नौबत आई है। शहर में आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए हम थानेदार का अभिनंदन भी गडरिल ने किया। शहर में थानेदार ने नाबालिग युवकों को अपराधी के जैसे पट्टे मारकर पिटा है। सरेआम रस्ते पर लाठियां बरसाने का कृत्य किसी की नजर से नहीं छिपा है।